तो स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे ये टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल घर में तैयार किए हैं, वो भी मिनटों में। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने इन्हें बाजार के जो रेडीमेड्स वाले पैकेट्स आते हैं उनसे बनाया है, ताकि मैं उसमें आपकी जो भी क्वेरी हो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ और मैं आपको बता सकूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सामान जुटाना जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप बाजार से एक पैकेट लिया और गुलाब जामुन तो फटाफट बन जाते हैं। तो किसी भी तीज त्यौहार पे आप बनाइए, बाहर खाने का तो आजकल जमाना नहीं रहा, तो घर पे बनाइए, अपने हाथों से शुद्ध बनाइए, खुद भी खाइए दूसरों को भी खिलाइए। चलिए हम फटाफट शुरू करेंगे। देखिए चाशनी के लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक भगोना गरम कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, पूरा नाप से डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, ये नाप के यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मार्क, ये इससे मैंने पूरा इस पे 750 ml इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ उतनी ही चीनी, चीनी और पानी मतलब एक ही नाप के हैं, सेम क्वांटिटी का चीनी और पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम गैस को सिम पे रख के इसको पकने देंगे, यहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में हम हिलाते जाएंगे। चलिए तब तक के हम अपने गुलाब जामुन की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं गुलाब जामुन मिक्स ले आई हूँ बाजार से। ऐसे बहुत सारे गुलाब जामुन मिक्सेस आते हैं बाजार में, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हालांकि इसको बनाने का पूरा प्रोसेस पीछे लिखा होता है, फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, आखिर इसका टेक्सचर कैसा आएगा और इसमें कितनी मेहनत लगेगी। तो उन सबको मैं आज आंसर देने वाली हूँ, इसको मैं बना करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, पहले गिफ्ट्स के आते थे और गिफ्ट्स बहुत अच्छे होते थे। तो चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल पैकेट भी आपके सामने ही काट रही हूँ, ताकि कि आपको बाद में ये ना लगे कि ये मैंने कहीं और से कुछ और मिक्सचर लिया है। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार है। अब क्या करना है, पहले हम इसमें साइड में थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि थोड़ा पानी अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो मिक्स करने में हमें दिक्कत होती है उनको बनाने के लिए। अब हम इसमें इसको हाथ से थोड़ा सा फोल्ड लेंगे, थोड़ा सा जैसे दबा दबा सा कुछ हो गया है, और मैं इतना मिक्सचर यहाँ पे बाहर रख रही हूँ साइड में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका मिक्सचर तैयार करेंगे, कुछ और नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी के साथ में इसका मिक्सचर तैयार करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा इसमें एकदम से सारा पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि काफी कम पानी में ये बनके रेडी हो जाता है। इस तरीके से अच्छे से चिकना करते हुए इसका हम आटा तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा पूरा इकट्ठा हो चुका है, पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल होना चाहिए एकदम चिकना होना चाहिए ये। ये देखिए, इस तरीके से एकदम चिकना आटा इसका तैयार करना है। यदि मान लीजिए आपसे जरा पानी ज्यादा हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच ही। अब ये तैयार है हमारा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, तब तक ये हमारी यहाँ पे चाशनी भी बन रही है, इसको हम हिला लेंगे अच्छे से। इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी इलायची और इनको इसी में ठीक से हम उबलने देंगे। चलिए तब तक हम अपने गुलाब जामुन तैयार करते हैं। यहाँ पे फ्राइंग पैन लेकर के उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डीप फ्राई करने के लिए, गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक ये गरम हो रहा है,
तब तक हम इसकी गोलियां तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करना है, छोटा छोटा सा एकदम लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि ये गुलाब जामुन जो हमारा होता है वो दो बार फूलेगा, एक बार तलने के टाइम पे और एक बार जब ये चाशनी पिएगा, दो बार फूलेगा। तो इसलिए हम एकदम छोटी छोटी ही गोलियां तैयार करेंगे और एकदम चिकनी हमें हाथों से रोल करके एकदम चिकनी चिकनी गोलियां बनानी है। ये देखिए इस तरीके से, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें, अगर आपको नजर आ रहा है तो उसको अच्छे से गोल कर लीजिए। एकदम चिकनी चिकनी गोलियां हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे सारी। तो चलिए मैं सारी गोलियां बना के तैयार कर लेती हूँ। यदि आप चाहें तो इस तरीके से गुलाब जामुन को बीच में थोड़ा सा दबा के आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद का डाल सकते हैं, या तो आप इसमें किशमिश डाल दीजिए या फिर चिरौंजी, चिरौंजी भी इसमें बहुत जाती है। इस तरीके से डाल के इसको अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए। तो आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल के भी बॉल्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ी गोलियां बना ली है मैंने और बाकी आटे को मैंने ढक के रखा है। आप इसको गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं ताकि ये सूखे नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारी चाशनी बन रही है हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नींबू का रस। इससे क्या होगा कि हमारी जो चीनी है वो साफ हो जाएगी और इसमें से झाग नहीं आएगी। चीनी साफ हो जाएगी। यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल के यहाँ से देख लेते हैं। देखिए डालते ही ये पूरा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम निकाल देते हैं साइड में, जबकि ज्यादा इसी तरीके से आराम से हम सारी बॉल्स को अच्छे से एकदम स्लो गैस पे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप उसको बीच में बंद भी कर सकते हैं। और एक बार में बहुत ढेर सारी बॉल्स नहीं डालेंगे हम, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। यहाँ पे हमारी चाशनी उबलते हुए करीब 5-7 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये बॉल्स को हम तल के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इनको घुमाते हुए ताकि ये अच्छे अंदर से सिक जाए, अंदर से इसमें कोई कच्चापन नहीं रहे। इस तरीके से हिलाते हुए हम इनको ऐसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। अभी मैं इनको साइड में रख रही हूँ। इसी तरीके के हम अपने बाकी गुलाब जामुन भी रेडी कर लेते हैं। इनको अलटते पलटते रहना बहुत जरूरी है, वरना ये एक साइड से हो जाएंगे और दूसरी साइड से नहीं होंगे। तो अलटते पलटते हुए ने अच्छे से, ये देखिए ये वाला तो फूल के कितना बड़ा हो गया। मैंने अभी ये चाशनी में क्यों नहीं डाले हैं अपने गुलाब जामुन, क्योंकि अभी मेरी चाशनी बहुत ज्यादा गर्म है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर डालेंगे, अदरवाइज वो फट जाएंगे। ये देखिए बहुत ठंडी हमें चाशनी नहीं करनी है, बस 5 मिनट के लिए इसको रखना है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी गुलाब जल। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स और अब हम इसमें अपने तैयार किए हुए गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। ये भी देखिए निकालने लायक हो गया, अब इनको हम अपनी चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें ढक करके इसमें डूबने के लिए रख देंगे और इन्हें करीब यहाँ पे आधे घंटे के लिए डूबना है। तो मैं आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन करके तैयार हुए, पूरे कट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे गुलाब जामुन बन करके बिल्कुल तैयार हैं। अलग अलग साइज के आपको दिखाई दे रहे होंगे
और आप चाहे तो शेप भी डिफरेंट कर सकते हैं। जब आप अपने आप बना रहे हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसा शेप कर सकते हैं। अगर आपको बेलन के आकार का रखना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये वाला वो है जो लाइट कलर का तला था, हल्के ब्राउन कलर का, तो इसका कलर चाशनी पीने के बाद में इस तरीके से आता है, और जो डार्क होते हैं, जो वहाँ पे थोड़े काले नजर आते हैं, उनका चाशनी पीने के बाद में ऐसा कलर नजर आता है। तो आपको जो भी कलर के गुलाब जामुन पसंद हो वो आप बनाइए, खाइए, मजे लीजिए। राखी, दिवाली, रक्षाबंधन, किसी भी त्योहार पे आप बनाइए, मजे लीजिए। कैसी लगी आज को आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।